आज की इस वीडियो में जो हम एक नया वर्ड लेकर के आए वो है जिद करना या फिर हट करना। क्या आप जानते हैं कि जिद करना या हट करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है? चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओइंग टू समवन्स ऑब्स्टिनेसी, जिसका मतलब है जिद या फिर हट। क्या बोलते हैं? Owing to someone's obstinacy means जिद या फिर हट। अब हम देखेंगे कि owing to someone's obstinacy को हम कैसे sentences में use कर सकते हैं। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले first example, जैसे कि अपनी जिद की वजह से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ पर क्या है? अपनी जिद की वजह से ही। तो हम कैसे बोलेंगे sentence को? Owing to your obstinacy you ruined everything। Owing to your obstinacy, you ruined everything means अपनी जिद की वजह से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। Owing to your obstinacy, you ruined everything। अपनी जिद में आकर उसने किसी की नहीं सुनी। कैसे बोलेंगे इसमें फिर से? क्या है? अपनी जिद में आकर। कैसे सेंटेंस को बोलेंगे? Owing to his obstinacy, he didn't listen to anyone। Owing to his obstinacy, he didn't listen to anyone। Next sentence है, अपनी जिद की वजह से वह अपनी जुबान पर कायम नहीं रह पाया। कैसे बोलेंगे sentence को? He couldn't keep his words owing to his obstinacy। He couldn't keep his words owing to his obstinacy means अपनी जिद की वजह से वह अपनी जुबान पर कायम नहीं रह पाया। He couldn't keep his words owing to his obstinacy। अपनी जिद में आकर तुमने उसे बिगाड़ दिया। कैसे बोलेंगे? Owing to your obstinacy, you spoiled him। Owing to your obstinacy, you spoiled him means अपनी जिद में आकर तुमने उसे बिगाड़ दिया। Owing to your obstinacy, you spoiled him। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।